तो भाई वेलकम एंड यूर वॉचिंग रेसल अपडेट फिर। तो भाई जैसे कि हमने आज स्मैकडाउन में देखा कि रोमन रेंस उसोस के साथ भिड़ गए थे आज स्मैकडाउन में, लेकिन भाई यहाँ पे एक मिस्टेक भी हुई थी। वो कौन सी मिस्टेक है मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। और तो और भाई यहाँ पे जो ब्रे वाइट को स्पॉट किया गया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में, इसलिए एंड तक बने रहना। जो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो भाई बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ, है ना। हम बात करने वाले हैं WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। तो भाई आपको ये बात तो पता ही होगी कि WWE इंडिया आ रही है 9 सितंबर को, लेकिन इस पर कंफर्मेशन उतनी नहीं है, लेकिन हाँ 90% है कि यहाँ पर WWE आ सकती है इंडिया। लेकिन इंडिया के बाद वो किसी और देश में भी जाना चाहती है। वो देश की लिस्ट है जापान, जर्मनी एंड फ्रांस। ये तीन में से कोई एक कंट्री होगी जहाँ पे WWE फ्यूचर में अपना प्रीमियम लाइव इवेंट कराएगी। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना। हम बात करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। तो भाई इनका रिटर्न अभी ना ही समझो, क्योंकि भाई इनका जो मतलब ठीक होने का समय है ना वो है 2 साल का। मतलब कि आने वाले 2 सालों में ये प्रॉपर तरीके से ठीक हो पाएंगे। अगर उससे पहले ठीक हो जाते तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन भाई अभी रूमर्स का यही कहना है कि इनको ब्रॉन स्ट्रोमन को ठीक होने में 2 साल लग जाएंगे। लेकिन आपने अभी फोटोज वीडियोज अभी देखी होगी इंटरनेट पे, जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने AEW ज्वाइन कर लिया है। लेकिन भाई यहाँ पे AEW का भी कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है। यहाँ पे वीडियोस तो आपको काफ़ी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है। तो अभी इनका यही समझो कि इनको रिटर्न करने में WWE में अभी समय लगेगा 2 साल का लगभग। तो भाई फिर से अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना। हम बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक के बारे में। तो भाई जहाँ पे मनी इन द बैंक होने वाला है वहाँ पे मतलब कि 80% रोस्टर पहुँच चुका है। मतलब कि भाई बहुत सारे सुपरस्टार जो हैं वो मनी इन द बैंक को अटेंड करने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये सुपरस्टार तो पहुँच ही चुके हैं और भी सुपरस्टार पहुँच चुके हैं। अभी मुझे किसी और की भी न्यूज़ मिलती है तो मैं आपको जल्द ही बताऊँगा, लेकिन अभी तो समझ लो कि 90% तक पहुँच चुके हैं सुपरस्टार। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना। हम बात करने वाले हैं 2024 के रॉयल रंबल के बारे में। तो भाई अभी से ही प्रेडिक्शन होने लग गई है कि 2024 का रॉयल रंबल कौन जीतेगा। तो भाई कौन कौन से वो प्रेडिक्टेड सुपरस्टार है वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई वुमेंस में है रकेल रॉड्रिगोस, ये जीत सकती है वो रॉयल रंबल वुमेंस का। और जो मेंस का जीत सकते हैं वो है गुंथर। अब भाई गुंथर जो फेवरेट है, मतलब कि 2-3 महीने पहले से ही वो फेवरेट है कि वो रॉयल रंबल जीत सकते हैं। अब देखो फ्यूचर में क्या होता है। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना। हम बात करने वाले हैं गुंथर के बारे में। तो भाई यहाँ पे गुंथर जो है वो भी अपना एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अब उन्होंने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया, वो क्या है चलो ये मैं आपको बताता हूँ। और ये वाला रिकॉर्ड ना भाई जनरली बड़ा रिकॉर्ड है, तो सुनो ध्यान से। तो भाई इस रिकॉर्ड में इन्होंने बताया है कि इनके 450 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं और इनको कोई पिन नहीं कर पाया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कि 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया और कोई भी गुंथर को पिन नहीं कर पाया, तो ये बड़ी बात है। और उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है WWE के अंदर। अब इतना तो कन्फर्म है कि ये लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप का रिकॉर्ड तो अपने हाथ में कर ही लेंगे और फ्यूचर का रॉयल रंबल भी जीत सकते हैं ये। अभी इनकी चांदी की बोल लो, सोना ही सोना होगा इनके पास फ्यूचर में। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना। हम बात करने वाले हैं एज के बारे में। तो भाई जो आने वाला स्मैकडाउन है, जो अगला स्मैकडाउन होगा उसके अंदर आपको एज देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब ये चीज स्मैकडाउन के बाद ही पता चली सब लोगों को, वैसे मुझे भी पता लगी तो मैंने भी आपको बता दिया कि जो एज है वो आने वाले स्मैकडाउन में, ये तो अभी चला गया। जो आने वाला स्मैकडाउन होगा मनी इन द बैंक का पहला स्मैकडाउन, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे एज और उनकी जो फीड होगी आगे बढ़ेगी। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना। हम बात करने वाले हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो भाई ब्रे वाइट की एक अचानक से फोटो वायरल हो रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये वाली फोटो। बताया जा रहा है कि अभी अभी रिसेंटली खींची गई है, लेकिन अगर अभी खींची गई होती तो हम सबको पता चल चुका होता, रूमर्स का भी पता चल चुका होता। वैसे रूमर्स ही मिली है ये फोटो मेरे को, लेकिन पता नहीं ये फोटो कब खिंचाई गई, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद जो ब्रे वाइट है वो किसी शो में या किसी पॉडकास्ट में बात करने गए थे, तभी की ये फोटो है। वैसे बढ़िया बात है अगर ब्रे वाइट घूम रहे कहीं पे, वैसे मनी इन द बैंक में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना। बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक के मैचेस के बारे में। तो भाई यहाँ पे जो मनी इन द बैंक का पहला मैच होगा वो होगा मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, ये पहला मैच होगा मनी इन द बैंक का। और जो मेन इवेंट होगा वो होगा ब्लड लाइन सिविल वॉर।
और मतलब कि रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा वर्सेस उसोस का मैच होगा मनी इन द बैंक के मेन इवेंट में। अब यहाँ पे जो कमेंटेटर है स्मैकडाउन के माइकल कोल, उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ पे कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो भी हो सकता है मेन इवेंट है। लेकिन भाई इनको इस ये वाला मैच कराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, उतनी बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन भाई जो मेन इवेंट होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लड लाइन सिविल वॉर वाला। वैसे मैंने आपसे कही थी कि यहाँ पे एक मिस्टेक भी हुई है, वो ये मिस्टेक ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो पॉल हेमन का टाइटल में यहाँ पे जो हैवी वेट टाइटल है उसके अंदर ब्रॉक लेसनर के प्लेट्स लगे हुए हैं। ये शायद छोटी सी मिस्टेक होगी या पहले का स्मैकडाउन का होगा मिस्टेक जो कि अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा था इंटरनेट में, यही मैं आपको बताना चाहता था। वैसे कोई अदर मिस्टेक नहीं